इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह तस्वीर एक दरिंदे परिवार के द्वारा एक विवश लाचार विवाहिता महिला की पिटाई की है और मासूम महिला सिर्फ चीख और पुकार रही है। तस्वीर के अंदर जो आवाज है उसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे खड़े सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि इस तस्वीर को जो भी देख रहा है वह गुस्से से आग बबूला हो जा रहा है, क्योंकि तस्वीर मानवता को कहीं न कहीं शर्मसार कर रहा है और रिश्ते को शर्मसार कर रहा है। यह जानकर आपको बड़ा हैरानी होगा कि यह घटना, या फिर यूं कहें कि इस तरह से बेरहमी से पीटने वाला कोई और नहीं है बल्कि इसके ससुराल के लोग हैं और उसमें शामिल इसके पति हैं। इस महिला का गुनाह बस इतना है कि इसके पिता ने दहेज के नाम पर गछे हुए 5 लाख रुपया ससुराल वालों को नहीं दिया था। फिर क्या था, दहेज के लोभियों ने इसे तब से ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और आखिरकार इसे डायन बताकर इस तरह से बेरहमी से पीटा गया। यह मामला गया जिले के खिजरसराय के सैदपुर डीह की है। इस युवती का शादी मार्च 2018 में शिव सुंदर उर्फ मोनू कुमार मगध कॉलोनी गया के साथ हुई थी। बताया गया कि शादी के दौरान ससुराल वालों ने 5 लाख रुपया दहेज की मांग की थी, लेकिन विवाहिता के परिवार ने यह रकम देने में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी, जिसके बाद उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन समाज के दखल अंदाजी के बाद उन्हें शादी करना पड़ा और शादी के लिए राजी हो गए, पर दहेज के पैसे की लालच उनकी कम नहीं हुई और इसके लिए नियमित रूप से विवाहिता को प्रताड़ित किया जाता रहा। अस्पताल में भर्ती विवाहिता के अनुसार दहेज के पैसे नहीं देने के कारण पति सहित ससुराल के सभी लोगों ने उन्हें लगातार टॉर्चर करता रहा और समय समय पर मारपीट भी करता रहा। इस दौरान घर के कुछ लोगों के बीमारी होने को लेकर डायन होने का आरोप भी लगाया गया। पीड़ित महिला की माने तो हद तो तब हो गई जब नंदोई अशोक कुमार ने बुरी नीयत से छेड़खानी शुरू कर दी। जब इसका विरोध किया गया तो पति ने दूसरी शादी की धमकी दी। इस दौरान बीते सोमवार को ससुराल के सभी लोगों ने बांध कर बेरहमी से पीटा और यह जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यह पिटाई की बाद की तस्वीर है। आखिर सोचिए कि एक युवती, विवश युवती क्या करती। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस सुशासन बाबू के सरकार में अब तक वो सभी बाहर है। गया पुलिस नींद में सोई हुई है और पीड़ित न्याय की उम्मीद लगाए टकटकी लगा रही है। अब जरा आप ही बताइए कि यह विवश महिला किसके पास न्याय के लिए जाए और किससे अपनी दर्द सुनाए। आपके साथ कौन कौन मारपीट किया? मेरे साथ पति मारपीट किए हैं, सास मारपीट किए हैं, गोतनी किए हैं, भांजी किए हैं, नाना किए हैं, नंदोसी किए हैं, सब लोग धमकी भी दिखाते थे। पति थे जो बेल्ट से मारते थे, मेरी सास थी जो छोटा नेवा के मारती थी, मेरे भैंसू थे जो मुँह ने थी गमछी लपेटती थी और गंजी ठूस दी थी, और गोतनी थी जो हाथ पर बांधी हुई थी और पकड़ लेती थी। और कौन, नन्ना नंदोसी भी मारता था? हाँ, नन्ना नंदोसी भी आते थे मेरे साथ, नंदोसी थे जो छेड़खानी करते थे और जब नहीं करने देते थे तो बोलते थे कि हम अपना साला को दूसरा शादी करेंगे। तो तुम क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि हम उस पति के साथ कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर मेरे साथ जब अच्छा से रहेंगे तो हम रहना चाहते हैं, और इस तरह से मेरा मारपीट करेंगे तो हम उसके साथ नहीं अपना जीवन बिताना चाहते हैं। हम इस अथी पर हम कार्रवाई करना चाहते हैं। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है पर हम अपना मायके में भी नहीं बताए हैं। इस दुर्घटना के हम छिपा लिए कि चलो परिवार में ये सब होते रहता है। ये दुर्घटना के कारण अभी फर्स्ट बार बता चुकी हैं, पर ऐसा करेंगे हम कैसे अपना पति के साथ जीवन बिता सकते हैं। इसीलिए इस पर कुछ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। अगर जो अच्छे से रखेंगे तो हम रह सकते हैं। कहाँ कहाँ चोट लगा? मेरे पूरा शरीर में चोट लगा है। ये देखिए मेरा पैर दिखा भी नहीं सकते, देखिए मेरा पैर पूरा ही फटा हुआ है और मेरे देखिए यहाँ तक लिए पूरा ये सब पैर फटा हुआ है और मेरा सब इतना देखिए अभी तो स्वेटर पहने हुए हैं, देख लीजिए ये मेरा पूरा हाथ फटा हुआ है। ये मार से हम चिल्लाते, मेरे परिवार लोग सब पकड़ पकड़ के मारे हैं
सब पिटाई अध मरु करके मारे हैं। हम अपना मायके में हम जनाब हिंदू तो मेरे भाई कैसे कैसे चले आए तो मेरा जीवन बच गया, नहीं तो वो लोग हमको दम मार के एकदम सोच रहा था कि जला देंगे इसको फेंक देंगे और हम अपना दूसरा शादी कर लेंगे।